ये है संयुक्त अरब इमीरात की कैपिटल अबू धाबी के जुलसा देने वाले रेगिस्तान में बना पहला बिगेस्ट हिंदू टेंपल, जो संयुक्त अरब इमीरात के साथ साथ पूरे मिडल ईस्ट में हिंदू पारंपरिक शैली से बना हुआ पहला बिगेस्ट हिंदू टेंपल है, जो उतना ही भव्य और सुंदर है जितना सुंदर और भव्य अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर है। ये मंदिर अबू धाबी की साइट अबू मुरेखा पर 26 एकड़ में स्थापित किया गया है, जिसको बनाने के लिए टोटल कॉस्ट 700 करोड़ रुपए आई है। इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, लंबाई 262 फीट है और चौड़ाई 180 फीट है, जिसमें एक साथ 10,000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। और इसमें हर दिन पूजा करने के लिए स्वामी नारायण, अक्षर पुरुषोत्तम, राधा कृष्ण, राम सीता लक्ष्मण, हनुमान, शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, पद्मावती, भगवान वेंकटेश्वर, भगवान जगन्नाथ और अयप्पा की भव्य मूर्तियां स्थापित की गई है, जो अबू धाबी में भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौजूद सभी मुख्य मंदिरों की भव्यता को दर्शाता है। और यह मंदिर भारत के स्किल्ड कारीगरों के द्वारा तरासे गए पिंक सैंडस्टोन के 25,000 से अधिक टुकड़ों से बना है, जो राजस्थान से अबू धाबी में ट्रांसपोर्ट किए गए थे। प्रत्येक शिखर के भीतर रामायण, शिव पुराण, भागवतम और महाभारत की कहानियों की अद्भुत निकासियां की गई है, जो भारत के प्राचीन इतिहास को दर्शाती है। और दूसरी नकाशियां भगवान जगन्नाथ, स्वामी नारायण, वेंकटेश्वर और अयप्पा के जीवन को चित्रित करती है। मंदिर की नींव में 100 सेंसर लगाए गए हैं और पूरे मंदिर में 350 से अधिक सेंसर लगाए गए हैं, जो भूकंप गतिविधि, तापमान भिन्नता और दबाव परिवर्तन पर एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करते हैं। और साथ में ही मंदिर में एक झरना बनाया गया है, जो भारत की तीन पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र जल का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि संयुक्त अरब इमीरात की कैपिटल अबू धाबी के डिजर्ट में ये बिगेस्ट हिंदू टेंपल कैसे संभव हो पाया? किसने इसको यहाँ पर बनाने की सोची और कैसे अबू धाबी के अमीर शेखों ने इस हिंदू मंदिर को बनाने की स्वीकृति दी और अबू धाबी का एक एक्सपेंसिव लैंड भी मंदिर को बनाने के लिए डोनेट किया, तो चलिए जानते हैं। आज धरती पर आवा पारंपरिक मंदिर नी भेट मले एवी कोई ने कल्पना नथी, पण प्रमुख स्वामी महाराज ना संकल्प थी, महान स्वामी महाराज ना आशीर्वाद थी, UAE अने भारत ना नेताओं नी दीर्घ दृष्टि थी अने आ देश ना लाखों मानसों नी प्रार्थना अने पुरुषार्थ थी आज आ मंदिर तैयार थी गयु छे। दोस्तों, अबू धाबी में ये हिंदू मंदिर बनाया है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा, जिसको शॉर्ट में बैप्स भी कहा जाता है। स्वामी नारायण भारत की एक प्रसिद्ध हिंदू संस्था है, जो भारत के साथ साथ दुनिया भर में 1100 से ज्यादा भव्य हिंदू मंदिर बना चुकी है। स्वामी नारायण संस्था शांति और मानव कल्याण की भावना से पूरी दुनिया में सनातन की प्राचीन संस्कृति को पिछले कई सालों से प्रज्वलित कर रही है। जैसे कि 8 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के न्यू जर्सी में लार्जेस्ट हिंदू टेंपल इसी संस्था के द्वारा ही शिल्प शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार ही बनाया गया था, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई करीब करीब राम मंदिर के समान ही है, जिसके चलते ये अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल बनता है, जो न्यू जर्सी के साथ साथ पूरे अमेरिका की इकोनॉमी भी बूस्ट करेगा। The largest Hindu temple outside of India now stands in central New Jersey. A grand dedication was held today for the awe-inspiring place of worship. CBS 2's Marcella Baeto reports. Inspiring traditions, values, and culture written into stone for thousands of years to come. Welcome. We invite you to explore, to connect, to discover, to experience history, culture, beauty, and divinity. Welcome. Welcome. Welcome to a landmark of Hindu architecture and culture. Welcome to BAPS Swaminarayan
अक्षरधाम। इसके अलावा स्वामी नारायण संस्था ने ऑस्ट्रेलिया, केन्या, कनाडा, यूके, थाईलैंड, फिजी, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ओमन, पाकिस्तान, युगांडा, जाम्बिया, तंजानिया और स्वीडन में वास्तुशास्त्र के अनुसार भव्य हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया है। लेकिन दोस्तों, इन सबसे ज्यादा संघर्ष अबू धाबी के इस मंदिर को बनाने में हुआ है। इनसे मिलिए। इन महान और दिव्य दर्शी संत का नाम था प्रमुख स्वामी महाराज, जो बैप्स यानी कि बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख संत थे, जिन्होंने आज से लगभग 26 साल पहले यानी कि सन 1997 में अरब देश संयुक्त अरब इमारात की कैपिटल अबू धाबी के रेगिस्तान में एक भव्य हिंदू मंदिर बनाने का संकल्प किया था। और इनके इस दृढ़ संकल्प के 17 साल बाद और इनके ज्ञान, शांति और मानव कल्याण की भावनाओं को देखते हुए अगस्त 2015 में संयुक्त अरब इमारात की सरकार ने ये डिसीजन लिया कि अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए यूएई गवर्नमेंट भूमि प्रदान करेगी। और इसी समय अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब इमारात आर्म फोर्स के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद ने अबू धाबी में खुशी खुशी इस भव्य हिंदू मंदिर के लिए जमीन उपहार में दी, यानी कि दान में दी। इसके बाद स्वामी नारायण संस्था के मुख्य संतों ने 10 फरवरी 2018 को राष्ट्रपति भवन में शेख मोहम्मद और भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की और यूएई की रॉयल फैमिली और 250 से अधिक लोकल लीडर्स की उपस्थिति में भारत और संयुक्त अरब इमारात द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंदिर एक पवित्र स्थान होगा जहां मानवता और सद्भाव एकजुट होंगे। मंदिर के लिए शिला पूजन यानी कि पहला पत्थर अभिषेक 11 फरवरी 2018 को हुआ। और दोस्तों, 20 अप्रैल 2019 को बैप्स के स्पिरिचुअल लीडर महान संत महंत स्वामी महाराज की उपस्थिति में भारत और संयुक्त अरब इमारात के मुख्य मंत्रियों और अधिकारियों की उपस्थिति में मंदिर की शिलान्यास विधि यानी कि शिलान्यास समारोह को पूर्ण किया गया। और यूएई सरकार को धन्यवाद देते हुए भारत के राजदूत नवदीप सूरी ने कहा कि अबू धाबी में यह मंदिर हमारे देशों, हमारी संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच दोस्ती का शाश्वत पुल होगा, जो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और भारत के रिश्तों को और मजबूत करेगा। और अब इसके 5 साल बाद अबू धाबी में ये भव्य हिंदू मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें यूएई के मुख्य शेख भी शामिल होंगे। और 18 फरवरी 2024 को इस मंदिर को सभी के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये अनसुनी कहानी थी मुस्लिम राष्ट्र में फर्स्ट लार्जेस्ट हिंदू टेंपल की, जिसको पॉसिबल कर दिखाया है स्वामी नारायण संस्था ने। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो, और आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको लाइक करके अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।